के न्यूज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जेके न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि वफाकी वज़ीर खारजा हिना रबानी खर जल्द मुजफ्फराबाद के दौरे पर आ रही हैं, जहां तमाम सियासी जमातों को मसला कश्मीर पर एतमाद में लेंगी। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोई तजवीज जेरे गौर नहीं, अफवाहें फैलाने वाले अनासर की सियासत को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेरिट पर फैसले करके खित्ते को तामीर और तरक्की का गहवारा बना देगी। आजाद कश्मीर में रफाई तंजीमों की तरफ से मुख्तलिफ अजला में 50 जोड़ों की इज्तमाई शादियों की तकरीबात जारी। महकमा जंगलात मीरपुर डिवीजन के अरबाब इख्तियार की मुबैना तौर पर मुजरमाना गफलत से अरबों रुपए मालियत के जंगलात आग की नजर हो गए। तारकीन वतन कश्मीरियों के शहर मीरपुर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी और ताजर सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि वफाकी वज़ीर खारजा हिना रबानी खर जल्द मुजफ्फराबाद के दौरे पर आ रही हैं, जहां तमाम सियासी जमातों को मसला कश्मीर पर एतमाद में लेकर हक के खुद इरादियत के हुसूल के नुक्ता पर मुतफिका पॉलिसी अपनाई जाएगी। आर पार की सियासी क्यादत को वज़ीर खारजा पाकिस्तान के कौमी मौकफ के बारे में आगाह करेंगी। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हमने ऐसा अंदाज हुक्मरानी इख्तियार किया जिससे पसंद और नापसंद की माजी की रवायात को दफन कर दिया जाएगा। सारे आजाद कश्मीर का वजीर आजम हूँ। ऐवान इक्तदार के दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। वजीर आजम ने कहा कि इंसानियत की खिदमत हमारा मिशन है। हमारी सियासत का महवर और मरकज पिसे हुए तबकात को रिलीफ फ्राहम करना है। हुकूमत ने रियासती मशीनरी को हदायत जारी कर रखी है कि रियासत के तमाम अफराद को दफातर में इज्जत और एहतराम दिया जाए और उनके जुमला मामला यकसू करें और उनके इत्मीनान के मुताबिक उनके मसाइल को हल करके उन्हें रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी गई और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत से ना तो दस्तबरदार हो सकती है और ना ही आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोई बात किसी भी सतह पर जेरे गौर है। बिला जवाब सूबा बनाने की बातें फैलाई जा रही है। सदर आजाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा है कि आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोई तजवीज जेरे गौर नहीं, ये अफवाहें वो अनासर फैला रहे हैं जिनकी सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और वो हुकूमत पाकिस्तान और फौज को ब्लैकमेल करने के लिए मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं। सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा कि आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोई तजवीज जेर गौर नहीं है और ना ही उनकी मौजूदगी में आजाद कश्मीर सूबा बन सकता है, ये अफवाहें वो अनासर फैला रहे हैं जिनकी सियासत अवाम ने मुस्तरद कर दी है। वो हुकूमत पाकिस्तान और फौज को ब्लैकमेल करने के लिए मनफी प्रोपेगंडा कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो उन्हें कश्मीर की तहरीक आजादी के सौदे नजर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब इक्तदार
उनके पास होता है वो सब अच्छा समझते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक आजादी का सौदा वो कर रहे थे जब मुशर्रफ की तकसीम कश्मीर की साजिशों की हमायत कर रहे थे। जिन्हें कश्मीर के जोग्राफिया का इल्म नहीं वो तहरीक आजादी के मामे चाचे बन रहे हैं। सरदार याकूब खान ने कहा कि मेरे असलाफ ने जिंदा खालें खिंचवा कर 1832 में तहरीक आजादी की बुनियाद रखी थी। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेरिट पर फैसले करके खित्ते को तामीर और तरक्की का गहवारा बना देगी। हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों से आजाद कश्मीर में पहली बार मेडिकल की तालीम में अमली इनकलाब आया है। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेरिट पर फैसले करके खित्ता को तामीर और तरक्की का गहवारा बना देगी। पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों से आजाद कश्मीर में पहली बार मेडिकल की तालीम में अमली इनकलाब आया है। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत तालीम और तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मिशन है कि आजाद कश्मीर के छोटे से खित्ते को तरक्की का रोल मॉडल बनाकर जनूबी एशिया में एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी जाए। चौधरी मोहम्मद यासीन ने मजीद कहा कि कुदरत की तरफ से अता करदा वसाइल को रियासती अवाम की फलाह बहबूद के लिए जेरे इस्तेमाल लाकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा राजा नवीद अख्तर गोगा ने कहा है कि मीरपुर से लोड शेडिंग खत्म न हुई तो वो वापडा के तमाम तरक्याती मंसूबों को अवाम की कुव्वत से बंद करा देंगे। हल्का खड़ी शरीफ के अवाम के हुकूक का तहफ्फुज पूरी अवामी कुव्वत के साथ किया जाएगा। डंके की चोट पर आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। जेके न्यूज से बातचीत। राजा नवीद अख्तर गोगा ने कहा है कि आजाद कश्मीर की सियासत में पेशावर सियासी मुसाफिरों ने गंद फैला रखा है। मीरपुर से लोड शेडिंग खत्म न हुई तो वो वापडा के तमाम तरक्याती मंसूबों को अवामी कुव्वत से बंद करा देंगे। मुस्लिम लीग नून अपने जरूरतमंद और बाकिरदार कायद राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की क्यादत में जरदारी और मुशर्रफ की बाकियात के तमाम अवाम दुश्मन मंसूबों को कुचल कर रख देंगे। खड़ी शरीफ में मजावर हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करे। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के नौ मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद देने के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा नवीद अख्तर गोगा ने कहा कि पाकिस्तान में जरदारी और आजाद कश्मीर में मजावर हुकूमत ने मुल्क में करप्शन, बददियानतियों और अकरबा परवरी की इंतहा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन मंगला की आबादकारी और तौसी मंसूबे में मुबीना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन करने वालों को मीरपुर के अवाम माफ नहीं करेंगे। राजा नवीद अख्तर गोगा ने कहा कि पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड गवाह है कि वो जब भी बरसरे इक्तदार आई मुल्क अदम इस्तेहकाम और मुश्किलात का शिकार हुआ। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों और सरकारी इदारों ने खड़ी शरीफ को अपनी चरागाह बना रखा है और खड़ी शरीफ की जमीनों समेत सांग राजी स्कैंडल हुक्मरानों के गले का फंदा बनेगा। उन्होंने कहा कि मंगला डैम मीरपुर के अवाम के अबाओ अजदाद की कब्रों पर तामीर हुआ, अब ना तो मीरपुर में बिजली है और ना ही पानी। हालात इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। बरतानवी तारक वतन अलहाज बशीर नबरदार ने कहा है कि मेरे छोटे भाई रशीद ने जालसाजी करते हुए मेरे मरहूम भाई मंजूर के प्लाट पर कब्जा करके अपने नाम करवा लिया है। अलहाज बशीर नंबरदार आफ चकसवारी ने इल्जाम आयद किया है कि मेरे छोटे भाई रशीद की पुष्ट पनाही चकसवारी का रहायशी शबीर रचियाल कर रहा है, जिसका कोई जाती कारोबार नहीं है। वो इसी तरह सादा लोह लोगों के साथ मिलकर और जालसाजी के साथ अपना माली फायदा उठाता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए किया। अलहाज बशीर नंबरदार ने कहा कि 16 मरले का प्लाट मेरे भाई के नाम था, जिसको रशीद ने जालसाजी से अपने बड़े भाई जहांगीर रशीद के नाम हिब्बा करवा दिया है। मैं हसूले रिस्क के लिए बरतानिया में था, जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने अपने भाई से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि ये प्लाट मेरा है। उन्होंने कहा कि मैंने निसफ सदी से ज्यादा अरसा बरतानिया में दिन रात मेहनत मजदूरी करके जमा पूंजी इकट्ठी की है, जबकि शबीर रचियाल नामी शख्स मुख्तलिफ नामों के शनाख्ती कार्ड रखता है और वो अपने जाती मुफाद की खातिर उनको इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि शबीर रचियाल खुद बरतानिया की कोर्ट से ड्रग केस में सजा याफ्ता है और उसको सजा हुई थी। मैं बरतानिया जाकर हुकूमत और एम्बेसी को दरखास्त दूंगा कि वो इस क्रिमिनल शख्स को बरतानिया आने से रोकें। आजाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि आइंदा माली साल के दौरान आजाद कश्मीर के बड़े शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंटरसिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी।
वजीरे ट्रांसपोर्ट ताहिर खोकर ने कहा है कि आइंदा माली साल के दौरान आजाद कश्मीर के बड़े शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंटरसिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। बजट कमेटी को इंटरसिटी बस सर्विस की तजवीज पेश कर दी है। MQM भरपूर अंदाज में कोशिश करेगी कि ये मंसूबा आमदा बजट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इंटरसिटी बस सर्विस से बड़े शहरों में न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी दूर होगी बल्कि ये मंसूबा ट्रैफिक के दबाव में कमी और आलूदगी के खात्मे में मददगार साबित होने के अलावा हुकूमती खजाने में इजाफे में भी मुआवन साबित होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताहिर खोकर ने कहा कि इब्तदाई तौर पर 4 बड़े शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और रावलाकोट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आजमाइशी बस सर्विस शुरू करने की तजवीज दी गई है। उन्होंने बताया कि मंसूबा के इजरा से हुकूमती खजाने पर कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत की फराहमी और उनके सरमाया के तहफ्फुज़ की जमानत देकर ये मंसूबा इंतहाई कम अखराजात में शुरू कर सकेगी। आजाद कश्मीर में रफाई तंजीमों की तरफ से मुख्तलिफ अजला में 50 जोड़ों की इज्तमाई शादियों की तकरीबात जारी हैं, जबकि मुजफ्फराबाद में 20 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो गए हैं। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 20 जोड़ों की इज्तमाई शादी का इंतजाम एक रफाई तंजीम अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी ने किया। इज्तमाई शादियों की तकरीब में दुल्हे और दुल्हनों के वालदैन और अजीज रिश्तेदारों के अलावा आजाद कश्मीर हुकूमत और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से साबिक वफाकी वजीर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब, साहिबजादा अताउल मुस्तफा नूरी, वजीर समाजी बहबूद फरदाना याकूब, मेंबर असम्बली बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन का ये कहना था कि निकाह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और निस्फ ईमान है। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी अब तक 1,500 से ज्यादा जोड़ों की शादियां करवाकर उनकी खुशियों को दुबाला कर चुकी है। वादी नीलम में गुज़श्ता रोज 15 जोड़ों की इज्तमाई शादी के अलावा 2 रोज बाद जिला कोटली में 15 जोड़ों की शादी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। इस मौका पर रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक 20 जोड़ों में सलामी तकसीम करने के अलावा उन्हें बिस्तर, फर्नीचर, कपड़े और बर्तन जहेज के तौर पर दिए गए। मीरपुर के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुंतखब नुमाइंदा और अवामी MLA गायब, कोई पुरसाने हाल नहीं। मीरपुर शहर में गुज़श्ता 2 माह से पानी की किल्लत अब गर्मी के शदीद मौसम में खतरनाक सूरतेहाल इख्तियार कर चुकी है। शहरियों का कहना है कि शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जबकि मीरपुर शहर से मुंतखब नुमाइंदा और अवामी MLA होने के दावेदार शहर से गायब हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसे लोग इलेक्शन के दिनों में शहरियों की मिन्नत और समाजत करते हुए नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि मीरपुर शहर के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया कि वजीर आजम आजाद कश्मीर महकमा पब्लिक हेल्थ का किबला दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि वजीर आजम जाती दिलचस्पी लेकर मीरपुर में पानी के मसला के हल के लिए इकदाम करें। मीरपुर आजाद कश्मीर का बड़ा शहर और पाकिस्तान का 7वां बड़ा कारोबारी मरकज है और यहाँ पर बुनियादी मसाइल का हल ना होना लम्हा फिक्रिया है। महकमा जंगलात मीरपुर डिवीजन के अरबाब इख्तियार की मुजरमाना गफलत और लापरवाही से अरबों रुपए मालियत के जंगलात आग की नजर हो गए हैं। महकमा जंगलात मीरपुर डिवीजन के हकाम की मुबैना तौर पर मिली भगत गफलत और लापरवाही से जिला भिम्बर और कोटली के जंगलात में गुज़श्ता कई दिनों से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से अरबों रुपए मालियत की लकड़ी जलकर हाकस्तर हो चुकी है। जबकि जंगलात में आग लगने से गर्मी की शिद्दत और फिजाई आलूदगी में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। इन इलाकों के अवाम ने हुकूमत आजाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि वो मीरपुर डिवीजन के कीमती जंगलात में मुबैना तौर पर लगाई जाने वाली आग के वाकयात की आला सतही तहकीकात करवाकर इसमें मुलविस महकमे जंगलात के आला आफिसरान और फील्ड मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यहाँ पर यह अमर काबिले जिक्र है कि जंगलात में आग लगने के वाकयात और लकड़ी की स्मगलिंग से कौमी खजाने को मुबैना तौर पर अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इस माफिया के खिलाफ आज तक कोई इकदाम नहीं उठाया है। जिला कोटली और जिला भिम्बर के जंगलात में लगने वाली आग ने कीमती जंगलात को अपनी लपेट में ले रखा है। मंगला डैम के किनारे आबाद तारकीन वतन कश्मीरियों के शहर मीरपुर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी और ताजर बरादरी सरापा एहतजाज हैं।
मीरपुर के शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इंतहाई तश्वीश का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर मुतासरीन मंगला डैम के शहर मीरपुर में लोड शेडिंग को खत्म ना किया गया तो अवाम रास्त इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे। बिजली ना होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ये जितनी भी आइसक्रीम है और ये कूलिंग करने वाली जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, और जो कस्टमर है वो ज़ाहिर है उसको ठंडी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वापस आएगा। बिजली सबसे बड़ा बिजली का मसला है, जो इस वक्त बंद रहती है, एक घंटा आती है तकरीबन दो दो घंटे लगा जाती रहती है। निके निके बच्चे हैं हमारे, हम काम करने के सिलसिले यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ये बिजली वाले हमें काम नहीं करने देते। ये हमें मजबूर कर दिया है इन लोगों ने, हमें बिजली चाहिए। बिजली नहीं है बिल्कुल ही, थोड़ी कभी जाती कभी आती है, तो कारोबार में फर्क पैंदा बिजली नाल काफ़ी। होटल वाले मेरी रोटी बंद कर दी है, बिजली है नहीं, की करिए। साढ़े मास्टर साहब ने उन्होंने को पैसे मंगी, वो कहते बिजली नहीं है, पैसे कितों लियावा, बड़े परेशान हाँ। ये वाम किते जा सी, चलो असी तो भीख मंग ला दे, मैं भीख मंगने वाला, मैं कम छूँ, मैं भीख शुरू करूँगा। बिजली नहीं आती, हम बहुत तंग पड़ चुके हैं, हमसे स्टडी नहीं होती है, और सारे बच्चे पास अब मजबूरी में पढ़ रहे हैं। चार चार पाँच पाँच घंटे बिजली जानी है, मेरी दसो नुकसान है कि नहीं है। आपो तो बे सोने सुते हो, तुसने कमरे जैसे ही लगे तो असा गरीब लोग तंग आना, सा परेशान आसा। जेके न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। जेके न्यूज।